उसकी मां ने कहा मैं तुझे पहचानूंगी कैसे, तो भगत सिंह ने कहा जो राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ेगा समझ लेना वही मैं हूं, और आज अगर इस देश की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। आज अगर राहुल जी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश का आम आदमी अपनी आवाज कैसे उठाएगा, ये प्रश्न आज हमारे देश के सामने है। आज राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने का जो हमला है, ये केवल राहुल जी की आवाज दबाने का हमला नहीं है। आज जो लोग ओबीसी का बहाना लेके हम पे अटैक करने की बात कर रहे हैं, हमारी विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि हमारे संविधान का जो सबसे बेसिक मूल मंत्र है, लोकतंत्र का जो सबसे बेसिक मूल मंत्र है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आज अगर राहुल जी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश का आम आदमी अपनी आवाज कैसे उठाएगा, ये प्रश्न आज हमारे देश के सामने है। तो जो लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ काम कर रहे हो तो आप अंबेडकर जी की मूल भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हो, आप अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ काम कर रहे हो, तो आप कैसे जो है सारे समाज को, सारे देश को एक साथ ले जाने की बात कर रहे हो। मैं कल ही किसी से चर्चा कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि दो मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, दोनों की सोच सेम थी, दोनों के रहने वाले लोग सेम थे। हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान में जो है जिन्ना जो है उन्होंने बागडोर संभाली। पंडित जी यहां पे हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर रहे थे, वो भविष्य की नींव रख रहे थे कि पुलिस का ये रोल होगा, जुडिशरी का ये रोल होगा, लेजिस्लेचर का ये रोल होगा, गवर्नमेंट का जो है वो ये रोल होगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अपनी लीडरशिप को डेवलप करने का काम किया जा रहा था, इंस्टीट्यूशंस की महत्ता को खत्म करने का काम किया जाएगा कि जो देश का राष्ट्रपति होगा वही फैसला करेगा कि जज क्या फैसला सुनाएंगे, वही फैसला करेगा कि आर्म्ड फोर्सेस किस तरीके से चलेंगे, वही फैसला करेगा कि पुलिस किस तरीके से कार्य करेगी, वही फैसला करेगा कि सरकारें किस तरीके से जो है चलेंगी, किसको फायदा पहुंचाएंगी। उसका खमियाजा आज पाकिस्तान का अभी की पीढ़ी जो है भुगत रही है। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है पूरी दुनिया उसको देख रही है, वो इसलिए देख रही है कि वहां के इंस्टीट्यूशंस को, वहां की जो है कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावनाओं के खिलाफ वहां की सरकार काम करती थी। हमारे देश में पंडित जी इंस्टीट्यूशंस को बना के गए थे कि सबका रोल अपना अपना अलग, ब्यूरोक्रेसी का रोल अपना अपना अलग आइडेंटिफाई कर गए थे, तो हमारा देश उन्नति और तरक्की कर रहा था। जो गलती पाकिस्तान ने आजादी के बाद की थी, हमारे देश की सरकारें वो गलती आज कर रही हैं जिसका खमियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, ये कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो ये लड़ाई आपकी और हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले भविष्य की है, हमारे बच्चों की है। हमको फैसला करना पड़ेगा कि किस तरीके का भारत हम अपने देश के आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। क्या उसी तरीके का जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, उसी तरीके के हालात हम आने वाले समय में अपने बच्चों को देके जाना चाहते हैं, या उस तरीके का हिंदुस्तान देना चाहते हैं जो हिंदुस्तान की कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने की थी, जिस हिंदुस्तान के बारे में आज दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर कोई मुल्क तरक्की करेगा तो हिंदुस्तान करेगा, क्या हम उसी परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल राहुल गांधी की नहीं है। मुझे याद आती है राहुल जी के ये संघर्ष को देख के एक बात कि भगत सिंह को जब फांसी होनी थी तो भगत सिंह को फांसी से पहले जो अंतिम बार उनकी मां उनसे मिलने आई तो भगत सिंह ने कहा कि मां मैं फिर जन्म लूंगा, तो उनकी मां ने कहा मैं तुझे पहचानूंगी कैसे, तो भगत सिंह ने कहा जो राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ेगा समझ लेना वही मैं हूं, और आज अगर इस देश की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है।